नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर गाजीपुर से। बिहार में अवैध शराब से हुई मौतों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट पर है और डीजीपी के निर्देशन पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। आज गाजीपुर पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। सादियाबाद थाना पुलिस और स्वाट टीम ने ये बरामदगी की है। सादियाबाद थाना क्षेत्र के पुलिस और स्वाट टीम को सूचना मिली थी कि कुछ लोग गुरैनी पुलिया के पास अवैध शराब की सप्लाई करने आने वाले हैं। पुलिस ने चेकिंग शुरू की तो बाइक से चार लोग आते दिखे। पुलिस ने उनको रोका तो उनके पास से दो बोरी बरामद हुई, जिसमें से 512 सीसी शराब, जिस पर एनबी ग्रुप, पंजाब एक्साइज, बॉम्बे विस्की 180 ml 42.8% लिखा हुआ था बरामद किया गया। उसके बाद पकड़े गए अभियुक्त पंकज यादव के घर से पुलिस ने 50-50 लीटर के 10 जर्किन में शराब, 32 सीसी पैक शराब, 512 सफेद प्लास्टिक और 200 रैपर बरामद किए गए। एसपी ने गिरफ्तार अभियुक्त पंकज यादव, दीपक यादव, प्रदीप कुमार और पप्पू सिंह को मीडिया के समक्ष पेश किया और बताया कि डीजीपी के निर्देशन पर 17 दिसंबर से अवैध अपमिश्रित शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और आज बड़ी बरामदगी हुई है। गिरफ्तार अभियुक्त शराब को बाहर भी भेजने का प्रयास कर रहे थे, अब हम इनके स्रोत का पता लगा रहे हैं। साथ ही अवैध शराब का कारोबार करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। न्यूज 9 भारत के लिए महताब आलम की खास रिपोर्ट। आज सादियाबाद पुलिस पर गाजीपुर और हमारी जो स्वाट टीम है और खानपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। डीजीपी महोदय के निर्देश पर 17 तारीख से एक अभियान चल रहा है अपमिश्रित शराब, जहरीली शराब और शराब तस्करी की रोकथाम के लिए और इस पर प्रभावी कार्रवाई के लिए। इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे जनपद में चेकिंग चल रही है लगातार। यद्यपि सभी थाने इसमें कार्रवाई में लगे हुए हैं और अपने अपने क्षेत्र में ऐसे सभी अपराधियों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो पूर्व में इस तरह की घटनाओं में संलिप्त पाए गए हैं। तो इसी क्रम में कल सादियाबाद क्षेत्र के बरईपुरा के पास कल हमारी टीम को एक सफलता प्राप्त हुई है। इन्हें द्वारा मुखबिर ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग दो मोटरसाइकिलों पर अवैध शराब को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर इन्हें पकड़ा गया तो इनके पास से कुछ रैपर्स और ढक्कन और बनी हुई शराब प्राप्त हुई। जब पूछताछ करी तो इन्होंने उस ठिकाने का भी नाम बताया जहाँ पे ये इसका निर्माण कर रहे थे अपमिश्रित शराब का। वहाँ पे जाके देखा गया तो भारी मात्रा में वहाँ खाली बोतल, रैपर्स और कई जरीकेन अल्कोहल के मिले, जिसे अपमिश्रित करके ये शराब बनाते थे और आसपास के क्षेत्र में इसे भेजते थे। पूर्व में भी जब इनसे पूछताछ हुई कड़ाई से, पूर्व में भी ये लोग विभिन्न थानों में पकड़े गए हैं और अक्रॉस द बॉर्डर भी, प्रदेश के बाहर भी ये लोग प्रयास करते थे कि इनकी शराब चली जाए। तो निश्चित रूप से इस बरामदगी से और इनकी गिरफ्तारी से जनपद में प्रभावी नियंत्रण होगा इस तरह की घटनाओं पर अपमिश्रित शराब की, और ये कार्रवाई निरंतर चल रही है। कहीं और भी संज्ञान में आएगा, क्योंकि हम ये भी जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो स्प्रिट लाए थे ये कहाँ से लाए थे, क्योंकि स्प्रिट सामान्य रूप से हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। तो अगर वहाँ भी कहीं कोई कमी मिलेगी तो उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी जो बिना लाइसेंस होल्डर को स्प्रिट की सप्लाई कर रहे हैं। हथियार भी बरामद है, कोई अपराधी भी बैकग्राउंड है क्या? हाँ, इनका इनमें से कुछ लोगों के ऊपर पूर्व में भी अभियोग पंजीकृत हैं, शराब की तस्करी के भी हैं, अन्य भी हैं। अभी भी इनके पास से भारी मात्रा में अपने शराब बनाने के इक्विपमेंट, इसके साथ साथ इनके पास से अवैध असलाह भी प्राप्त हुआ है। दो मोटरसाइकिल भी जिन पर ये कैरियर का काम करते थे वो भी बरामद हुए। सर, रैपर किस कंपनी का है? रैपर किसी बॉम्बे विस्की करके है, उसके रैपर्स हैं, ढक्कन्स हैं और हो।
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।